बस 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 आंटी नहीं देखे, 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 अभी नई गाड़ी आई है। मेरी तो अभी भी आंखें ऐसी हो रही है कि बस भारी भारी सी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज वही व्लॉग है जिसके लिए हम कल से इतने एक्साइटमेंट में थे। कल से नहीं, हम 3 साल से एक्साइटमेंट में कि कब ये वाला व्लॉग बनाएंगे। हाँ, सच में तब तो सोचा भी नहीं था कि हम व्लॉगिंग करेंगे। हाँ, सच में, लेकिन आज पल का तब से इंतजार मतलब है ना, हमने ना 1 करोड़ बार एक दूसरे को ये चीज बोली होगी। हाँ। कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, और फाइनली आज वो दिन आ गया है। रात को ये तो 4:30 बजे तक यहाँ बालकनी में घूमता रहा। बाहर दो रीजन है, पहला तो आज का दिन जो होने वाला है, दूसरा ओ भाई के शॉर्ट्स में व्यूज आएगा। हर्ष के ना मतलब इसने टारगेट रखा था 1000 सब्सक्राइबर का, इसके हो गए 15,000। तो पागल हो गया, खराब हो गया। अरे प्यार प्यार, थैंक यू गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए। अभी सब नहा लिए, बस मीकू नहा रही है। अभिषेक अपने घर पे गया, वहां से नहा के फटाफट से आ रहा है। और देखो गाइस आज का व्लॉग में क्या है, वैसे थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा क्या क्यों स्पेशल है ये दिन। तो आज हम लेने जा रहे हैं अपनी पहली कार। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है। Yes. अभी हम लेने जाएंगे कार, देन उसके बाद सरप्राइज प्लान करेंगे मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए ये चीज बिल्कुल ऐसी होगी कि वो सोच भी नहीं सकती कि हम एकदम से कार ले रहे हैं। मतलब कार ले रहे हैं इस टाइम पर। हाँ। उनको मैं बात बात भी करता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार एक सेकेंड हैंड बाइक ले लूँ क्या यार। देखो पागल बनाते हैं मम्मी को। मम्मी को ऐसा बना के रखा कि मतलब कुछ मंगा गरीब कोई है नहीं। हाँ, समझ लो एक तरीके से। लेकिन आज एकदम से उनको कार वाला सरप्राइज देंगे। और कार के लिए भी कभी उन्होंने पूछा, भले बोला बेटा तू कार वगैरह कब लेगा। मैंने मम्मी यार देखूंगा सेकंड हैंड कोई किस्तों पे मिल जाएगी तो ले लूंगा। मैं खुश इसलिए हूँ कि आज उनको सरप्राइज दूंगा। Yes. और वो बहुत प्यारा सरप्राइज होने वाला है। मैं उस पल का वेट नहीं कर सकता कि कब मैं उनके आंखों से पट्टी हटाऊंगा, उनके सामने कार होगी और उनका रिएक्शन देखना है। मतलब मजा आ जाएगा यार। पूजा वगैरह का सारा सामान मैं अभी सुबह सुबह जाकर लेकर आ गया हूँ। मैं तो देख लो 3 बजे के बाद सोया हूँ और 7 बजे उठ के हर्ष घर चला गया। मैं निकल गया सामान लेने के लिए। मैं 6 बजे उठी हूँ। अरे तेरी कसम, मेरी बात तो सुन ले, मैं बताना चाहती हूँ, झूठ बोलेगा अभी। सुनो, मैं 6 बजे उठी हूँ है ना, मैंने देखा कि कुछ जगह है क्या, कोई नहीं जगह। हर्ष इधर था, मैंने कहा हर्ष तू क्या कर रहा है, बोले दीदी कुछ नहीं बस इसको जगाने वगैरह जा रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। उसके बाद फिर उठी तो ये नहाने गया था, उसके बाद उठी तो चिया नहाने गई थी, उसके बाद मैं उठ के नहाली। नई गाड़ी लेने जा रहे, नए कपड़े तो पहनेंगे ना। मैं तो 2 मिनट मेरे तैयार होकर आती हूँ भाई। तेरी कहते मैं तो ऐसे व्लॉग चालू करा कि नॉर्मल व्लॉग चेंज करके आते हैं। हम भी चेंज करके आते, बस ये टकाटक रेडी होकर आ गया सबसे पहले ही। हो गए हम तो रेडी जैसे हो रहे थे, कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली गैस 10:45 हो चुके हैं और 11:15 बजे हमारे को डिलीवरी लेनी है उसकी, कि मतलब गाड़ी बाहर से शोरूम से बाहर निकालनी है। तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो जैसा रेडी हुआ मैं तो बस टी शर्ट पहना, जो दिख गया मेरे को वो पहन लिया। सबने जो कपड़े मिले वो पहन लिए फटाफट से। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी लेने। बोलो गणेश जी महाराज की। बोलो बालाजी महाराज। थैंक यू सो मच भगवान, आपने इस दिन को लाया। और थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी की वजह से ये आज पॉसिबल हो पा रहा है। अब मतलब इतने एक्साइटमेंट में पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो कितनी जल्दी मैं शूज भी नहीं पहने गाड़ी से उतरते ही मैं तो कैमरा पकड़ रहा, इतने में तो सारे अंदर भाग गए। अभी तो मेरे घर के हैं, इसमें मत कर। अभी पेपर वर्क वगैरह सब हो चुका है और अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी आने का। अभी हर्ष गया है वो सारा जो एसेसरीज वगैरह जो भी लगवाई थी वो सब चेक करने, क्योंकि उसको पता था वही चेक करने गया है। एक्चुअली हम लोग पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं। और पता है क्या, ये हम किया सेल्टोस ले रहे हैं। हाँ। और इसमें हमने मेटलिक सिल्वर ऑर्डर बुक किया था, लेकिन वो देख लो हमने नवंबर में बुक कर दी थी गाड़ी, वो कलर अवेलेबल ही नहीं है। उन्होंने बोला अगली मंथ आएगा, अगली मंथ आएगा। मैंने कहा भाई इस मंथ तो हमारा ऐसा हो गया, लॉकडाउन खुला, फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन खुलते मैंने बोला भैया गाड़ी दे दो तो दे दो, नहीं तो हम क्रेटा ले रहे हैं, हम तो स्विच होने वाले थे बहुत जल्दी से। उन्होंने बोला भैया सर आपका कलर अभी भी नहीं आया है, व्हाइट कलर चाहिए तो 2 दिन में मिल जाएगा। मैंने कहा भैया दो। और पता क्या, मुझे व्हाइट ही चाहिए था, मेरे को सिल्वर चाहिए था मेटलिक सिल्वर, लेकिन इसको व्हाइट चाहिए था और इसको और हर्ष को दोनों को व्हाइट चाहिए था। और हमारे चरण धोखे पिया। तो फाइनली हम व्हाइट कलर की ले रहे हैं किया सेल्टोस। ओके गाइस, तो हमारी कार ये रही, तो रेडी हो देखने के लिए। 3, 2, 1 तो हमारी ये रही कार बाइक किया सेल्टोस। और अभी चलते हैं सबसे पहले गणेश जी महाराज के। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस आप सभी को भी, एंड थैंक यू सो मच भगवान, आई लव यू। ये मेरी गाड़ी को चुम चुम के गंदा कर रहा है। ये कौन है मेरी गाड़ी को अपना बता रहे हैं। हाय ब्यूटीफुल।
तो अभी जा रहे हैं हम लोग सबसे पहले गणेश जी भगवान के मंदिर, तो लेट्स हर्ष भाई मालिक चलाएंगे मंदिर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन हर्ष, ये भाई मैं तो इमोशनल होता जा रहा हूँ इसको देख के। थैंक यू सो मच गाइस। अभी है ना हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के और ये लोग जा रहे हैं सर के यहाँ, जहाँ पर गाड़ी आएगी वापस। तो बेचारा हमारा बच्चा रो रहा है, जहाँ पर मम्मी को सरप्राइज देंगे। तो बाय बाय। अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी के अंदर ताकि सीधा गणेश जी भगवान के जा सके। वैसे एक्चुअली जब प्लान बनाया था गाड़ी लेने का, हम कब से वेट कर रहे थे, मतलब एक ये था कि गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि मैं और यशी स्कूटी पे ही हमने धूप में गुजारा है, स्कूटी में ही हमने बारिश में भी गिले हुए हैं, तो हमें चाहिए था कि गाड़ी हो तो हम थोड़ा सेफली सब जगह जा पाएं, काम पे जा पाएं। और स्कूटी की वजह से बहुत बार जा भी नहीं पाते थे। पहले तो ऐसा सीन बना था कि यशी एक ले रही थी, मैं भी एक ले रहा था, मैं एक्सयूवी ले रहा था, यशी सेडान ले रही थी, लेकिन फिर हमने कि ज़बरदस्ती इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करना। और गाइस आपको सही बताऊँ, ये गाड़ी सिर्फ दो रीज़न से आई है। पहला मुझे चलानी थी। पहला ट्रैवल व्लॉगिंग, दूसरा मम्मी के लिए, बस ये दो रीज़न है इसके लिए। और क्योंकि ट्रैवल आपको जो भी स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता होगा हम बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे थे स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन फिर ट्रैवल नहीं हो पा रहा था ढंग से क्योंकि हमारे पास हर्ष की कार थी जो कि घर पे भी यूज़ में आती है, तो हम प्लान नहीं बना पा रहे थे लंबी टूर का वगैरह का। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई ये गाड़ी की ज़रूरत है और फिर हमने ये डिसाइड करी और ऐसी एक्सयूवी ले ली कि अच्छी जगह हो, आराम से हम ट्रैवल कर सकें, लंबे टूर पर भी जा सकें। तो अब जल्दी ही ट्रैवल व्लॉगिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब खूब लंबे लंबे टूर्स भी मारने वाले हैं हम, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक्साइटेड हूं भाई मैं तो अभी से। तू बोले तो अभी कहीं ले लूँगा एक बार छोटी ट्रिप। हम लोगों ने पता है गाड़ी भी कैसे चूज करी थी, हम पांचों गए बैठे और बाहर निकल गए, जिस दो गाड़ी क्रेटा और सेल्टोस का बाद में चूज किया था हमने कि भाई दो गाड़ी इनमें से चूज करना, एक्सयूवी लेनी है इस बजट में लेनी है। हम बैठे पांचों कंफर्टेबल है, डन, मतलब ऐसे डन किया है हमने क्योंकि हमारे को ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए चाहिए थी मेन। तो अभी बस वेट है कि मम्मी का क्या रिएक्शन होगा देखने के बाद। उसके बाद पापा को तो पता थी कि गाड़ी आ रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज आ रही है गाड़ी। उनको मैंने बोला कि पापा यार थोड़ी सी डिले हो रही गाड़ी और अभी बाद में लूंगा, थोड़ा सा देर बाद लूंगा। उनको पता था कि मैंने कहा घर में एक जने को तो बताऊं, फालतू एकदम से डांट पड़ जाए, क्या पता बोले क्या कर रहा है तू। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर गणेश जी के, पूजा हो गई गाड़ी की और अभी जा रहे हैं हम सर के घर जहाँ पर मम्मी को सरप्राइज के लिए पूरा का पूरा प्लान करना है। तो अभी डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है और हम पूरी गाड़ी को ना बलून से भर रहे हैं, ये देखिए। तो जैसे मम्मी गेट खोलेगी ना वैसे ये शायद उड़ेंगे या जैसे भी होगा देखा जाएगा, कभी करा नहीं है तो पहली बार ही होगा ये। और इस गाड़ी में आगे कुछ बड़ा सा रिबन टाइप का लगाएंगे, वो भैया डिसाइड करेंगे कैसा करना है, मैंने उनको एक फोटो दिखा दी थी, लेट्स सी वो किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं इसको। और अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वीडियो की, एडिटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट है, बट हाँ अभी काम कंप्लीट कर देता हूँ ताकि फिर अभी 2:30 बज रहा है, मम्मी को अराउंड 4 बजे लेकर आएंगे, तो उससे पहले मैं एडिटिंग वगैरह शेड्यूल वगैरह ब्लॉक का कर दूंगा ताकि टेंशन फ्री होकर पूरा शूट कर पाऊँ अच्छे से। अभी हमें एक चद्दर से कवर करनी पड़ी गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से अंदर जो बलून्स हैं वो फूट रहे हैं अपने आप ही, काफ़ी सारे बलून्स अंदर चले गए हैं इसमें, बहुत प्यारा लग रहा है सर। डेकोरेशन हो चुका है पूरा और ये पूरा बलून से भर चुका है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब ये गेट खुलेगी मम्मी और ये बलून्स ऊपर उठेंगे। यस, अभी हर्ष और यशी जा चुके हैं मम्मी को लेने के लिए, तो मम्मी को लेकर आएंगे वो और उनके मम्मी भी आएगा, भाई भी आएगा, और मम्मी भी आएंगी, भाई भी आएगा और मजनू भी आएगा क्योंकि तीनों जने आना ज़रूरी है ना, मजनू को कैसे छोड़ सकते हैं। पापा तो वैसे फैक्ट्री पे, वो तो आएंगे नहीं, वो पापा के लिए तो क्या है कितना भी बड़ा सेलिब्रेशन हो उनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो काम को छोड़ के नहीं आएंगे, बट हाँ यहाँ से सेलिब्रेशन करके वो 5 बजे तक जब घर पहुँचेंगे तब हम लोग वहाँ घर पहुँच के उनको भी गाड़ दिखा देंगे। ओके, तो मम्मी वगैरह आ चुके हैं और बाहर रोक दी है हर्ष ने पहले ही गाड़ी, ये डिग्गी बंद कर दे, बस इतनी छोड़ दे, इतनी छोड़ दे, आंखों में पट्टी, अभिषेक पट्टी डालने, पट्टी यार चल चल, रुको एक सेकंड, मैंने तो मजनू को बांध के आ रहा हूं अंदर, क्या आपको दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखना भी नहीं चाहिए आपको, कुछ पता है आपको क्या होगा? क्या कुछ नहीं पता, क्या कुछ नहीं पता, नहीं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल धक धक हो रहा है बहुत तेज, नहीं हो रहा मेरा, नहीं हो रहा, इनका दिल लग रहा है, आज मजा आने वाला है मम्मी, बहुत तगड़ा, मम्मी आ गई ना, हमें चलो
बैग निकला ना आपका ये वाला बेटा नहीं निकला ना आज भी गेट खोलो गेट करो मम्मी चप्पल उतार के बैठी है आंटी आपकी गाड़ी आराम से बैठो अच्छी है वो हो गई वो शौक में आ गई ऐसा लग रहा है इनका दिल धड़क रहा सांस समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो गया एकदम से सपना नहीं है मम्मी सूरज को लपड़ मार के देख लो मैं भी लगूंगा ये गाड़ी के लालच दूर रहो अरे तो रोक के नहीं हो ठीक है यार नई गाड़ी है काफी दिन बाद खुशी के आंसू देख रही मम्मी शांत ये भी रोए जा रहा है सुबह से आप ये रो ली बस 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 आंटी नई गाड़ी आई है आपकी खुश हो जाओ हूं तो मैं तो सारे ही रोने लग गए ये तो ये फिर ट्रेंडिंग में जाएगा सबके खुशी के आंसू कितना वेट किया था अपनी गाड़ी का ये नहीं रो रहा ये परिवार का लड़का नहीं है हमारा स्वास्थ्य हमारी बच्ची ने बनाया है तो बच्ची को तो गिफ्ट मिलना चाहिए ना हाथ दे अपना हाँ इसमें ये पकड़ रुक जा एक सेकंड हाथ हटाओ हाथ हटाओ दो जनों की गाड़ी आई है दो जनों की गाड़ी आई है वेरी गुड गाड़ी आ गई चलेगा गाड़ी में बिल्कुल आराम से आराम आराम से नहीं मुंह नहीं चलो 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 अभी नई गाड़ी आई है तू आया तभी तो बुक हुई थी गाड़ी ये लकी है हमारे लिए बहुत ज्यादा मजबूत ये जब से है ना तब से हम इतने खुश हैं इतने खुश हैं जिसकी वजह से सब बोलते हैं ना ये कुत्ता पाल लिया इन्होंने तो नहीं करा मैंने कि तुम्हारे लिए कुत्ता होगा ये मेरे लिए नहीं कुत्ता मेरे घर का सदस्य हो गया मेरे लिए तो बहुत लकी आया है अभी जा रहे हैं घर पे पापा को सरप्राइज देंगे फिर यशी के घर पे भी जाएंगे नवाजुद्दीन सर से और आंटी से मिलने के लिए अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और पापा बैठे हैं सरप्राइज के वेट में हमसे पहले पहुंच गए थे पापा तो सरप्राइज आ रहा है बस जल्दी से नमस्ते 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 तरक्की करो सब जने तरक्की करो आगे बढ़ो तू सूख कैसे गया पहले तो ये बता जय माता दी माँ जय माता जी की खुश हो और ढोक 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 एक कोने चार खरीदो ये गाड़ी कैसी लगी गाड़ी बहुत मस्त बहुत जोरदार आ जाओ बैठ जाओ एक बार अभी माताजी को अरे अभी घूम लेंगे कहीं वो थोड़ी है अपने कड़े घूम रहा हूं कभी भी घूम लेंगे एक बार बैठ तो जाओ आप लोग कम से कम हमें भी तो अच्छा लगेगी बैठ जाएंगे क्या दिक्कत है बैठ नहीं गाड़ी लाए हो तो बैठेंगे नहीं हां लो आ जाओ अंकल एक बार बैठ जाओ आंटी आंटी आ जाओ हां इधर आओ अंकल आप इधर आओ इधर अंकल 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 इधर आके बैठो हां ये बैठो 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 अब गाड़ी लिए तो आप बैठोगे नहीं क्या अंकल आंटी आंटी आगे आओ आगे 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 बैठो आगे आगे बैठो आगे शाबाश घर पे पहुंचे उसके बाद बारिश आई वरना वहां पर आ जाती ना तो गाड़ी गंदी हो जाती शायद बहुत मस्त गाड़ी लिए एकदम टकाटक मजा आ गया अंकल गाड़ी टकाटक लिए मजे आ गए गाड़ी में बैठ के एकदम चिल्ड हो गया मेरा प्लान बीच गाड़ी चिप्स चिल्ड दोबारा बोलना बीच गाड़ी गाड़ी चिप्स एक चिल आंटी आ गई जूते पड़वाने के काम कर रहे आपको कैसी लगी गाड़ी होती है फाइनली हम सब लोग आगे से आगे बढ़ो खूब तरक्की करो बस हम तो यही चाह रहे हैं आगे बढ़ो सारे डब्बा लेके मत घूम सबको खिला मिठाई चलो ठीक है मिठाई कर रहे हैं ये दादी जी ने बोला भर भर के हाथ में मिठाई दो ओके गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना इस गाड़ी के लिए भी थैंक यू सो मच एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार करती रहिएगा बाय गाइस चार पांच गाड़ी ले ले।